अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी YouTube की फैमिली, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। आज जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की गई वो जरा घरेलू टाइप की रेसिपी है, यानी कि घर में ज्यादातर बनाई जाती है। अरबी गोश्त का सालन, वो भी किचन क्लोजअप के स्टाइल में, बहुत मजेदार बना है। और कलर आप सालन का चेक करें कितना प्यारा है माशाल्लाह से, और बहुत टेस्टी बना। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है आपको किचन क्लोजअप में चलना पड़ेगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है, ये 250 ग्राम बीफ का गोश्त लिया मैंने। ये देखें कितना रूखा और कितनी प्यारी इसकी बोटियां, ये देखें छोटे छोटे साइज की बोटियां मैंने करवा ली थी। ये मैंने इसका गोश्त लिया, आप चाहें तो इसके अंदर मटन भी यूज कर सकते हैं। चले अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट। ले लिए कुकर के अंदर मैंने डाल दिए गोश्त, ठीक है। अगर आपके पास आप कुकर नहीं यूज करते तो आप पतीले में भी इस्तेमाल बना सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी, ये देखिए 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और सॉल्ट जाएगा इसके अंदर बहुत कम, और घरेलू मसाले से बनाएंगे हम, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइसेस नहीं डालेंगे। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डाल दीजिए आप इसमें भर के, और हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ठीक है जी। अब ये हो गया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद प्याज और 1 अदद टमाटर, इसी तरह रेंडमली कटा हुआ मोटा मोटा, कोई बारीक बारीक नहीं काटना। और इसके साथ डाल देंगे हम 1 गिलास पानी। अगर आप बगैर कुकर के बना रहे तो आप पानी थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं, और गोश्त गलाने तक का वेट करेंगे। ये देखें 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। चले अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल हमने डालना है 1/4 का, ये देखिए, ठीक है जी। ये सब चीजें हमने डाल दी है, और अब मैं इसको लगा दूंगी कुकर जब तक कि हमारा गोश्त नहीं। देखिए मैंने 1 पाव के लगभग अरबियां ली हैं। अरबियों के साथ ये असल में मसला आ जाता है कि जब बंदा काटता है तो हाथ में खारिश होती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। कुकिंग ऑयल आप लें, और अरबियों को काटने से पहले कुकिंग ऑयल से अपने हैंड्स को ग्रीस कर लिए। सबसे पहले तो अपने हाथों को आपने धोना है अच्छे से, और फिर आपने इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना। और अब हम इसे करेंगे पील ऑफ। ये देखिए अरबियां हमने छील ली, और हमारे हाथों में कोई खारिश और कुछ भी नहीं हुई, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। चलें अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट का कुकर मैंने लगाया था, और गोश्त हमारा 95% गल चुका है, और अब हमने इसको अच्छे से भून लिया। ये देखिए प्याज वगैरह सब हमने इस तरह कर करके इसको भून लिया चमचे की मदद से। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए ये अरबियां डाल देंगे, और अरबियां डालकर हमने इसको अच्छे से भूनना है। मेन इसमें जो होता है अरबी गोश्त के सालन में, वो भुनाई होती है। भुनाई आपने अच्छे से करनी है, 5 से 6 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनते हैं, फिर हम मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। इसको अच्छे से भून लिया है मैंने, कम से कम 5 मिनट मैंने लगाया इसको भूनने में। थोड़ा सा इसमें मैंने 3 टेबल स्पून के लगभग पानी डाला था, और इसको दोबारा से भूनना है। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, पानी। पानी हमने इतना ऐड करना है कि हमारी अरबियां भी गल जाए अच्छे। ये देखिए अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पूरा पानी ऐड कर दूंगी, ये देखिए इस तरह करके, ठीक है। अब ये हमारी अरबियां भी गल जाएंगी, और शोरबा भी हमारा, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आए। ये देखें आप चाहें तो इस कंडीशन पे दोबारा से कुकर लगा सकते हैं, मैं बगैर कुकर लगाए ऐसी हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि अरबियों का फ्लेवर बहुत अच्छा सा। ये देखें माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार हो गया, और ये देखें इतना थिक होना चाहिए, ये देखें इस तरह थिक होना चाहिए, और अरबियां भी हमारी अच्छे से गल गई है। ये देखें मैं आपको छुरी की मदद से काट के दिखा दूं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट गल चुकी है, ये अलग हो गई दोनों, ठीक है। ये देखिए चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
ये देखिए मजेदार किस्म का हमारा अरवी गोश्त का सालन तैयार है। माशाल्लाह से सालन का कलर चेक करें कितना खूबसूरत है, और अरवियां भी और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। चलें फिर, अगर आपको लगता है बड़े मजे की रेसिपी आपके साथ शेयर की गई तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।